नमस्कार प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जन्म कुंडली में एक ही ग्रह जो आपकी कुंडली में अच्छा है उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए या गोचर में कोई ग्रह अच्छे पोजीशन पे आ जाए तो मनुष्य के जीवन में मात्र एक ग्रह भी उसको सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए गोचर में एक ग्रह का भी शुभ होना मनुष्य के लिए बुरे से बुरे परिस्थितियों में एक होप होता है, एक प्रभाव होता है जीवन को सफल बनाने के लिए। मनुष्य उसके द्वारा भी आगे बढ़ सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरजा डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम ग्रहों में सौंदर्य कारक, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, कला के क्षेत्र में सफल बनाने वाला और दुनिया में फेमस करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ शुक्रदेव का। शुक्रदेव जो है ये 18 अक्टूबर को रात्रि 9:40 से लेकर के 11 नवंबर तक कन्या राशि, हालांकि जो इनकी मित्रगत राशि होती है, इसको छोड़ करके स्वयं अपनी राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि किस किस क्षेत्र वालों के लिए यह लाभकारी, उन्नतिकारी और सफलताकारी प्रभाव देने वाला है। जानकारी देने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है तो किसी किसी लग्न और राशि के लिए ये शुभ लाभकारी, जैसे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग, शुक्र के द्वारा पंच महापुरुषों में से मालव्य योग की उत्पत्ति होती है, तो कुछ लाभकारी और उन्नतिकारी योगों का निर्माण भी करता है। हालांकि देखिए, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो पहले से वहां पे सूर्य और केतु विराजमान है और सूर्य और केतु विराजमान होने के कारण शुक्र के प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी। तो शुक्र जब भी जन्म कुंडली में डिस्टर्ब होता है तो मनुष्य को आलस्य बनाता है, गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कराता है, स्किन रैसेस, पेट संबंधित और कहीं न तो कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा लिप्त कराने का प्रयास करता है, जो शुक्र का नेगेटिव फल होता है। तो यानी शुक्र जब तुला राशि में जा रहे हैं तो आपको अपने आप में बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और अपने आप का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक लाभकारी फल यहाँ पर यह भी हो जाएगा कि 26 अक्टूबर से तुला राशि में ही बुध प्रवेश कर जाएंगे और जहाँ शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग और नारायण योग उत्पत्ति होती है, यहाँ पे केतु के द्वारा और सूर्य के द्वारा प्रभाव जो इनके ऊपर अशुभ पड़ रहा है वह बहुत हद तक शुभता में बदल जाएगा, क्योंकि बुध भी मित्रगत राशि तुला में रहेंगे और शुक्र तो स्वयं अपनी खुद की राशि में रहेंगे। अतः 26 अक्टूबर के बाद इसके प्रभाव में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा 11 नवंबर तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति नेता हैं, अभिनेता हैं, गायन के क्षेत्र में हैं, कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वाहन का शोरूम है या खरीद बिक्री करते हैं, इसके अलावा जो है जो भी व्यक्ति स्पा, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन की वस्तुओं से रिलेटेड काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं या क्लोथ डिजाइनिंग काम करते हैं या डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग करके रखे हैं, होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, फास्ट फूड से रिलेटेड काम करते हैं, जो शराब से रिलेटेड काम करते हैं, या जो भी व्यक्ति बड़े बड़े कंपनी के लिए मॉडल बनाते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप का, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उन्नतिकारक प्रतीत होने वाला है। जो लोग स्किन रैशेस से रिलेटेड, पेट संबंधित, पैरों से रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं, गले के रोग से रिलेटेड परेशान हैं, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड परेशान हैं, आप सभी लोगों के लिए यह समय शुभकारी, लाभकारी और उन्नतिकारी प्रदत्त होने वाला रहेगा। यानी यह शुक्र का तुला राशि में जाना बहुत ही बेहतर है सभी के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा शुक्र राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे हाल, और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ विशेष उपाय भी बता दूंगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में जो है मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति करेगा और धन कारक स्थान के मालिक होते हैं, जो आपको विवाह के रिश्तों को बहुत ही बेहतर करेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा, लव रिलेशन में सुधार की स्थितियों को बनाएगा, दाम्पत्य जीवन में खटपट को दूर करेगा, व्यापार और नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर परिवर्तन के अवसर मिलेंगे, धन संचय नहीं हो पा रहे थे धन संचय होगा,
भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ के योग बनने लगेंगे। पुराने मित्रों से और परिवार के लोगों से जो मतभेद की स्थितियां बनी हुई थी, इसमें सुधार के अच्छे अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है, किसी कारण से ना चाह करके आपकी वाणी में कड़वाहट हो गई थी या इन दिनों लोन लेने की स्थितियां जो बन गई थी, इन दोनों में सुधार के योग देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क जीवन में स्थापित होगा। नौकरी छोड़कर के व्यापार की ओर बढ़ने के लिए आप अग्रसर होंगे। पार्टनरशिपिंग में तालमेल सही होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा जीवन साथी के साथ फाइनेंशियली कंडीशन में भी विशेष सुधार देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार के अलावा मानसिक शांति, क्रोध में कमी, पिता से तालमेल अच्छे होने की संभावनाएं बनेंगी और पिता से तरक्की के रास्ते भी अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी और लॉटरी छठा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। सेकेंड संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन भी आप लीजिएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्रीय नमः का 51 बार जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके साथ क्या होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ बढ़ने लगेंगे। प्रथम संतान के हेल्थ को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी देखने को मिलेंगे। शत्रुता स्वयं दूर हो जाएगा। बड़ा लोन क्लियर करना चाहते हैं लेकिन धन संबंधी दिक्कतें हो रही थी वह सॉल्व हो जाएगी। विदेश यात्रा को लेकर के जो परेशानियां हो रही हैं वह ठीक हो जाएगी। पिता से आपका तालमेल ठीक हो जाएंगे। बड़े बड़े डिसीजन आप ले पाइएगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुक्र के द्वारा आपको यह भी है कि कोई शत्रु आपके ऊपर कंटिन्यू परेशानी कर रहा था वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है, पारिवारिक स्थितियों में जो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन में पैसे वगैरह खर्च हो रहे हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण लग जाएगा। भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देगा ये। चिंता और भय दूर होगा। आलस्यपन से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी रहेगा कि मान सम्मान में जो कमियाँ हो चुकी थी इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा और लाभकारी फल यह है कि आपके माता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे और पुराने प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद या केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन मिश्री माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, देखिए लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे, जिस कारण से जो है संतान सुखों से जो अस्थिरताएं हो रही थी इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। बड़े लोन लेना चाहते हैं कोई नहीं रोक सकता है। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। सरकारी नौकरी में आपका लिटिगेशन हो गया था या निकाल दिया गया था उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके कॉन्फिडेंस में पराक्रम में वृद्धि हो जाएगा। पुराने प्रॉपर्टी विवाद में कमियां देखने को मिल जाएंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं तो आपको बड़े अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप किसी बड़े स्केल फील्ड में हैं और आय के स्रोत में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ यहाँ पे यह भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी समय से आप विदेश यात्रा जा करके धन अर्जित करना चाह रहे हैं वह मिलना चालू हो जाएगा। बड़े फंड कहीं फंसे हुए हैं तो वह निकलने चालू हो जाएंगे। बड़े से बड़े केस मुकदमा में आपको कोई नहीं हरा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आपको संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और संतान के विवाह वगैरह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है वह ठीक हो जाएगा। और एक सबसे लाभकारी फल यही है कि प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको जल में मिश्री डाल करके माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और चनामृत के रूप में इसको ग्रहण करके ही घर से निकलिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके स्वयं अपनी राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में भी यह मालव्य नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा। भूमि मकान वाहन में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, पिता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी इसमें सुधार के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों के द्वारा जो धन की हानि हो चुकी थी इसमें सुधार के अवसर मिलेंगे। हो सकता है धन की प्राप्ति भी हो जाए। संतान सुखों में वृद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के धन अर्जित करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बेहतर लाभ मिलेगा।
चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुक्र के द्वारा यह है कि बड़े भाई बहनों के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी, चाचाओं के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। एक वाहन सेल करके दूसरे वाहन परचेज करना चाहते हैं, हो जाएगा। कुछ गैजेट्स वगैरह बहुत समय से परचेज करना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमेशा परिवार में मेडिसिन में पैसे खर्च हो रहे थे, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके करियर में नए अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जिनको लगता था कि अब नौकरी नहीं लगेगा, व्यापार में तरक्की नहीं हो सकता, जीवन ऐसे ही स्ट्रगल में चलेगा, शांत हो जाइए, नए नौकरी और व्यापार के तरक्की के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पदोन्नति प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है। सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता के द्वारा आपको संभावित लाभ मिलेगा और पिता की भी तरक्की होगी। एक लाभ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यह भी देखने को मिलता है कि किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा दिक्कत हो रहा था तो वह ठीक हो जाएगा, और विदेश यात्रा तो कोई रोक भी नहीं सकता, बस ट्राई करना चालू कर दीजिए। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको माता लक्ष्मी को बादाम अर्पित कीजिए, लाभ के योग बन जाएंगे। सिंह राशि वाले, जब शुक्र प्रबल होगा अपनी राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के प्राकर्मेश हो जाएंगे, अतः नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। जो काम आपके रुके हुए थे या किसी कारण से पिता से मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। धार्मिक कार्य परिवार में होने की उम्मीद बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों के जीवन में तरक्की के, विवाह से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी या धन से रिलेटेड, वह सॉल्व हो जाएगा। चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ेगी। विदेश यात्राओं के नए योग बनेंगे। एक व्यापार करते हुए नए व्यापार या नौकरी का जो ट्राई कर रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के मध्य में थोड़े खर्च हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी, परंतु अगर आप शांत रहते हैं और अपने बारे में ना सोच करके कुछ सामने वाले के बारे में सोचते हैं तो आपके ऊपर लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। गले के रोग, पेट संबंधी समस्याएं और हृदय संबंधी समस्याओं में कमियां देखने को मिल जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगा। आप चाहे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अगर सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा लगते हैं तो प्रमोशन के योग बेहतर बन सकते हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को आपको क्या करना है, शुद्ध घी का दीप अर्पित करना है रात में। कन्या राशि वाले, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में धनेश हो जाएंगे। भाग्यश जब धनेश हो जाए तो सीधा संबंध विदेश यात्रा से हो जाता है, यानी विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बन जाएंगे। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक विवाद में कमियां देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। परिवार के लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे, वह ठीक हो जाएंगे। गले से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सेल होगा और उससे धन की प्राप्ति होगी। परिवार के बर्डन कभी कभी आपको परेशान करता था, इससे रिलेटेड आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, जिस कारण प्रमोशन का योग बनेंगे, और मैंने बताया कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग अच्छे बनेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आप एक अच्छे पद की प्राप्ति करेंगे और आपका स्थानांतरण मन चाहा होने का संभावना रहेगा। चाहते थे नौकरी और व्यवसाय में अच्छा बदलाव होना, ट्राई करना चालू कर दीजिए। अच्छा बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आप दही का सेवन अवश्य कीजिए। तुला राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में आएंगे तो आपके जीवन में जो है यह मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे, जो बहुत ही लाभकारी प्लस केंद्र में, जो आपके चारों तरफ आपकी ख्याति को विख्यात करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाला रहेगा। पिता से तालमेल में सुधार और धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलेगा। पुराने से पुराने केस मुकदमाओं में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद ठीक होगा। नेगेटिव थॉट्स दूर होगा। तनाव टेंशन से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग जो पैदा हो चुका था उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी करते हुए नए व्यापार की तरक्की के योग आपके जीवन में देखने चालू हो जाएंगे। पेट और पैरों से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि केस मुकदमा किसी प्रकार का चल रहा था तो उसमें आप स्वयं ही बरी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। विदेश यात्राओं का बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक लाभकारी है कि पार्टनरशिपिंग में मतभेद था तो वह सपोर्ट कर देगा, और सरकारी कामकाज में भी आपको लाभ बेहतर देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। वृश्चिक राशि वाले,
जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में स्वयं अपनी राशि का द्वादेश हो जाएंगे, यानी सीधा संबंध कर्ज और केस मुकदमा से बचाने का है। शत्रुता स्वयं आपके दूर हो जाएंगे। प्रथम संतान की तरक्की के योग बेहतर ऑप्शन खुलेगा। विवाह को लेकर के परेशानियां थी वह ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा और आय स्थिरताएं जो चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखने का योग है, जो सबसे ज्यादा लाभकारी और सबसे ज्यादा उन्नति कारक है, कि यहां पे आपके जीवन में जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, काफी पैसे खर्च हो रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है, 100% विदेश जाने का योग है। मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है, कहीं सरकार के पास आपके पैसे देने हैं या बैंक में देने हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा था, तो यह सेटलमेंट 100% हो जाएगा। नेत्र, पेट और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार है। पर्सनल चीजों की वस्तुओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में, और वाहन और संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 51 बार ओम नमः शिवाय का जाप और 11 बार ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। धनु राशि वाले, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आय स्थान का शुक्र धनु राशि वाले बहुत बेहतर परिणाम देता है। सर्वप्रथम, बार बार गलतियां होने के कारण कुछ लोग बेवकूफ बनाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, शत्रु व्यर्थ के पैदा हो जाते हैं और ना चाह करके भी आपके धन खर्च हो जाते हैं। यह आपके धन के महत्व को दिखाएगा और आपको एक नए तरक्की और एक नई स्थितियों में ले करके जाएगा। आपको संतान सुखों में वृद्धि करेगा। संतान संबंधित मतभेद की स्थितियां जो चल रही है इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है आपके कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन वगैरह नहीं हो पा रहे थे, वह होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? गले के रोग, पेट के रोग, सिर दर्द, हृदय से रिलेटेड समस्याओं से कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। पिता से बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे किया है कि आप तनाव डिप्रेशन से दूर होते चले जाएंगे, जो नए जिंदगी में तरक्की के रास्ते को खोलेंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, आपका पैसा कोई मार करके बैठा हुआ था, जनरली आपका पैसा तो बहुत लोग मार करके ही बैठा हुआ रहता है, वह पैसे आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में आपके नाम पे, आपके नेम पे फेवर में आएगा। बड़े भाई बहन जो आपके पैसे बचा के रखे थे वह भी आपके जीवन में मिल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। मकर राशि वाले, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ मालव्य नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। मकर राशि वाले, संघर्ष तो आपसे जीवन में ज्यादा कौन जानता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जो भटक रहे हैं, भटकाव दूर होगा। जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। सरकार के लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। पिता और माता के द्वारा धन की प्राप्ति और संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है लगाइए। आपके संतान आपसे स्वयं विमुख हो रहे थे, संतान से दूरियां बन रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगे। सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का विवाद था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पा रहा था, उससे रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। पहले से दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। सामाजिक ख्याति में वृद्धि होगी। आस पड़ोस से लेकर के दुनिया में आप नेम फेम कमाने वाले रहिएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो तरक्की के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता है। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। बुरे से बुरे वक्त में भी एक नए आयाम की स्थितियां बनेंगी। और जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अचानक से रॉकेट साइंस के जैसे एक तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम थोड़ा सा अपने आलस्यपन को त्यागना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और प्रत्येक दिन कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखाना है। देखिए कितना लाभ मिलता है। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र आपकी कुंडली में तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ मालव्य नामक राज्यों को स्थिति को बनाएंगे। अतः कुंभ राशि वाले, यह भूमि मकान वाहन में वृद्धि करेगा। खुद की सुख समृद्धि के वस्तुओं को बढ़ाएगा। हो सकता है कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज करें। माता से दूर है तो माता से मिलाप हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य खराब है तो माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद अगर चल रहा था किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा तो वह भी स्वयं आपसे दूर चले जाएंगे।
प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, 100% मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में ठीक हो जाएगा। विदेश जाने की संभावना या विदेशी कॉन्टैक्ट में वृद्धि देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि आपकी शिक्षाएं रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएंगी। आपके रिश्तेदार भाई बहन आपसे स्वयं खपा थे वह ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का हो सकता है विवाह से रिलेटेड या धार्मिक कार्य में वृद्धि देखने को मिले। छोटे भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर देखने को मिल सकते हैं। द्वितीय संतान और तृतीय संतान की बहुत बेहतरीन तरक्की देखने को मिलती है। स्वयं के घर से आप दूर हैं तो अपने घर पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण फल यहाँ पे एक ये है कि नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ें यह भी देखने को मिलेंगी कि आपको लगता था कि यात्राएं सिर्फ व्यर्थ के भाग दौड़ हो रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, मिलना चालू हो जाएगा और सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा। पैसे लगाना चालू कर दीजिए सरकारी कामकाज में, सरकार के लोगों से तालमेल अच्छा बनाना चालू कर दीजिए। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल और दही अर्पित कीजिए। मीन राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। सर्वप्रथम यह क्या करेगा, पेट संबंधित, गले संबंधित, स्किन से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड, यूरिन संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं इसको ठीक करेगा। केस मुकदमा को लेकर के जो मन में खौफ है या मन में नेगेटिविटी जो बैठी हुई है इसमें ये कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। लव रिलेशन में सुधार के योग बनेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बड़ा गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कोई छोटे मोटे सुखद यात्रा पे या कहीं घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग आपके महत्व को समझेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। कई बार कहीं पे चुप हो जाने के चलते अस्थिरताएं होती हैं, वहां सुधार के योग दिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा किसी कारण से लव रिलेशन में या जीवन साथी से हार्ट टॉक हो सकता है तो वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि दाम्पत्य जीवन में सुधार है, विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकर चाकर या आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे थे, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं जीवन में। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे जीवन में। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेगा, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में जो मन में नेगेटिविटी चल रही है यह स्वयं दूर हो जाएगा और एक अच्छे कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में बढ़ने चालू हो जाएंगे। पैसों की कमी को लेकर के बहुत परेशान है, कहीं से दिक्कत नहीं है, अचानक धन की प्राप्ति होगी। पति के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है या अन्य सोर्सों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। खानदानी प्रॉपर्टी का केस मुकदमा का विवाद या कोई लिटिगेशन पैदा करके रखा है स्वयं दूर हो जाएगा और एक नए ऊर्जा और एक नए शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ना चालू कर दीजिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सूखा नारियल या पानी वाला नारियल माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और इसी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करके दर्शन करिए। देखिए कितना लाभ मिलेगा आपके जीवन में। मीन राशि वाले, प्रिय दर्शकों, शुक्र जो भौतिक सुख स्वभाव के कारक हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य में अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं। जब भी कोई अगर अपनी स्वयं की राशि में जाता है तो लाभकारी फल देता है, तो इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।